गुड आफ्टरनून एवरीवन, इट्स टाइम टू एप्लीकेशन। हम पहले एप्लीकेशन लिख चुके हैं, बुक बैंक का हो, टीसी का हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो या फिर सिक लीव हो। आज हम एप्लीकेशन लिखेंगे ब्रदर सिस्टर मैरिज। ओके, बस सब्जेक्ट चेंज कर देना है, बाकी सेम थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। एज ए 10th क्लास स्टूडेंट या 9th क्लास स्टूडेंट, 12th क्लास स्टूडेंट, हम ये छोटी सी बातें तो चेंज ले ही आते हैं एप्लीकेशन में, कोई बड़ा टास्क नहीं है। चलिए लिखते हैं एप्लीकेशन, क्वेश्चन रीड कर लें। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव फॉर 10 days एज यू हैव टू अटेंड योर ब्रदर सिस्टर मैरिज। ध्यान रहे, जिस विद्यालय का नाम हो, जिस स्टूडेंट का नाम हो, जो सब्जेक्ट हो, उसी के आधार पर आप एप्लीकेशन लिखेंगे, आप रट्टू तोता नहीं बनेंगे। ओके, चलिए समझ आया एप्लीकेशन क्यों लिखना है। 10 दिन का एप्लीक, और हाँ, 10 days तो 10 days, 3 days तो 3 days, 4 days तो 4 days। यहाँ पर 10 days का एप्लीकेशन है, सब्जेक्ट है ब्रदर सिस्टर मैरिज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ब्रदर लिख सकते हो, सिस्टर भी लिख सकते हो, दोनों साथ आप नहीं लिखेंगे। ओके, चलिए एड्रेसिंग वर्ड यूज किया, टू द प्रिंसिपल, अपने विद्यालय के आधार पर लिखते हैं। ज्ञान कुंज एक्सीलेंस हाई सेकेंडरी स्कूल पथरिया। चलिए सब्जेक्ट एप्लीकेशन क्या है, ब्रदर सिस्टर मैरिज, एन एप्लीकेशन फॉर ब्रदर मैरिज लीव। ओके, रिस्पेक्टेड सर, आई वेक टू, आप यहाँ बताएंगे आप इस विद्यालय के कक्षा 10वीं के छात्र हैं। आप कक्षा अकॉर्डिंग टू योर क्लास आप इसमें लिख सकते हो, जो आपकी क्लास हो। यहाँ पर मैंने 10th क्लास लिखा है। आई वेक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। आई एम गोइंग टू भोपाल टू अटेंड माई एल्डर ब्रदर मैरिज। मैं भोपाल जा रहा हूँ मेरे बड़े भाई की शादी को अटेंड करने। ओके, बस काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 10 days। और बहुत कुछ लिख सकते हैं, उसमें ये नहीं कहा हम इसको एप्लीकेशन को एक 1.5 पेज में लिख देंगे, भैया हम जा रहे हैं श्रीमान जी बस से जाएंगे, पिताजी भी साथ जाएंगे, माता जी भी जाएंगी, कपड़े भी खरीदेंगे, खाना भी बनवाएंगे, फिर सबको परोस भी करेंगे, फिर हम बस बारात भी ले जाएंगे। तो ये डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं है। हमें एप्लीकेशन देनी है और छुट्टी लेनी है, वहाँ पर क्या करना है ये डिस्क्राइबेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अननेसेसरी वर्डों को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पूछा गया है, जिसके लिए लिखवाई गई है एप्लीकेशन, वो बात सिंपल ही है कि आप शादी में जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, बस। ओके, आई वेक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। आई एम गोइंग टू भोपाल टू अटेंड माई एल्डर ब्रदर मैरिज। बस हो गया, बड़े भाई की शादी अटेंड करने जा रहे हैं, कृपया छुट्टी दें। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 10 days। कब से कब तक? फ्रॉम 19/8/2020 to 29/8/2020। हो गया, थैंक यू, यू आर ऑर्डेंटली स्टूडेंट पारस कुमार, जो भी हो स्टूडेंट, है ना, छोटू लाल, मोटू लाल, जो भी आपको लिखना हो लिख दें, जो उस क्वेश्चन में है तो वो लिख दें, वरना अपना गुड नेम लिख ही सकते हैं। डेट जिस दिन आप एप्लीकेशन लिखो वो डेट ऐड कर देना। आई होप याद भी हो गया होगा और अब आप भूलोगे भी नहीं, और इसी आधार पर आप दूसरी एप्लीकेशन भी लिख पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।